हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लास के मेंबर को हम कैसे एक्सेस करते हैं। दोस्तों, क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। क्लास के किसी मेंबर को सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस किया जा सकता है। उस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है और उसको इंस्टेंशिएट कैसे किया जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना और ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना दो अलग अलग चीजें हैं। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने से किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते उस ऑब्जेक्ट की मदद से, जब तक उसे इंस्टेंशिएट नहीं करते। ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन से उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की जाती है और बिना मेमोरी एलोकेशन के ऑब्जेक्ट के द्वारा उसकी क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। आइए एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं void main फंक्शन का यूज करने जा रहा हूं। जावा के अंदर मेन फंक्शन के लिए हमें सिंटेक्स लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक void main। अच्छा, ये जो पब्लिक स्टैटिक void main जो हम लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, इसके क्या मायने हैं, इसमें पब्लिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है, void main के अंदर स्ट्रिंग आर्क्स क्या चीज है, इसके बारे में वीडियो के एक अंक में मैंने आपको समझाया है। वहां आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं। देखिए, जो क्लास का नेम एम्प्लॉय है, ये अपने आप में एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। बहुत तरह के डेटा टाइप होते हैं, जैसे आपके सामने एक इंट एम्प्लॉय आईडी मैंने लिखा जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक इसी तरह से एम्प्लॉय यहां पर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूं। यहां पर वो एक वेरिएबल की तरह से काम कर रहा है, मैंने उसको डिक्लेयर किया ई नाम से। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है, मैं कमेंट में लिख दे रहा हूं आपके सामने ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट की मदद से ना तो हम एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस कर सकते हैं और ना शो एम्प्लॉय आईडी नाम के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के लिए हमें न्यू कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। ये जो न्यू कीवर्ड है, ये ऑपरेटर है जिसका काम है मेमोरी ऑक्यूपाई करना। तो न्यू के आगे मैं लिख रहा हूं एम्प्लॉय, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं मैं आगे के अंक में आपको बताऊंगा। इसके बाद मैंने डॉट ऑपरेटर की मदद से शो एम्प्लॉय आईडी नाम के फंक्शन को कॉल किया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पर शो एम्प्लॉय आईडी नाम का जो मेथड है, ये अभी ब्लैंक है। तो इसके अंदर हम इसके आईडी को शो करने जा रहे हैं। आईडी को शो करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं ईएमपी आईडी। देखिए, यहां पर जो ईएमपी आईडी मैंने लिखी है, अभी इसकी कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही है। तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक वैल्यू फिक्स कर दे रहा हूं। लेट एज्यूम वैल्यू इज 5। इसको मैं सेव कर रहा हूं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए जावा और एम्प्लॉय एंटर मारेंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने वैल्यू आ गई 5। यही ये 5 एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू है जिसको हमने प्रिंट कराया। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको तीन बातें बताई, मेथड कैसे डिफाइन किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर होता है, उसका इंस्टेंशिएशन कैसे होता है और ऑब्जेक्ट की मदद से आप क्लास के मेंबर को किस प्रकार एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अगले अंक में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक से ज्यादा क्लासेस को कैसे बनाया जाता है और उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से।